मॉर्निंग बच्चों, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? यस सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। यस सर। आपने अपने फ्रेंड्स को बुला लिया सबको? डिलीट हो गया सर। अच्छा, लास्ट क्लास में बच्चों हमने क्या किया था, किसी को याद है? इनविजिबिलिटी रूल्स। फिजिबिलिटी रूल्स करके, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे ना, अच्छा पहले बच्चों ये ध्यान दो कि ये जो क्लास है ना रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने करा था डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल्स किस किस के पढ़े थे, आप मेरे को याद दिलाओ, मुझे याद नहीं आ रहा किस किस के डिविजिबिलिटी रूल्स थे। 11 का, 11 का किया था। वेरी गुड, चलो ठीक है। अच्छा, जो आपको पहले मैथ्स में फैक्टर निकालना सिखाया गया है क्या? फैक्टर्स निकालना किसी नंबर का, ठीक है, सिखाया गया है क्या आपको? यस सर। अच्छा, यस सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं, तो अगर आपको मैं पूछूं, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ सिक्स, तो बच्चों आप बताइए मुझे फैक्टर ऑफ सिक्स क्या क्या होते हैं, बताइए। 1 and 6. वेरी गुड, 2, 3, 1 and 6. वेरी गुड, किसने बताया मेरे को, नाम बताइए अपना बेटे। वेरी गुड बेटा, आप सबने अपना नाम चैट बॉक्स में लिखा? यस सर। यस सर। ठीक सर, देखिए बहुत सही बताया उन्होंने, ठीक है। फैक्टर्स आपको पता है क्या होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स देखो, जैसे मैंने आपसे पूछा फैक्टर्स ऑफ सिक्स बताइए, तो बच्चों फैक्टर्स देखिए हमने निकाले। देखिए आपको क्या करना है, सीधे सीधे लिख देना है कि सिक्स कौन से जो नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन टेबल में आता है, ठीक है। सिक्स देखिए वन की टेबल में आता है, 1 6 6 1 6 6 में आता है ना सिक्स, और सिक्स जो है टू की टेबल में भी आता है, 2 3 6 है ना। सिक्स जो है थ्री की टेबल में भी आता है, 3 2 6, और सिक्स जो है वो खुद की टेबल में तो आता ही है ना, 6 1 6, समझ में आ रहा है, पता है ना। तो सिक्स जितने भी नंबर्स की टेबल में आएगा, मल्टीप्लिकेशन टेबल में आएगा, वो सारे नंबर हम लिख देंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता हूं आपको लिखना है फैक्टर्स ऑफ एट, फैक्टर्स ऑफ एट बताइए मेरे को क्या आएगा? 1 2 4 and 8। 1 2 4 and 8 है ना। देखिए एट जो है, हाँ बिल्कुल, ये वन की टेबल में भी आता है ना, 1 8 8, टू की टेबल में भी आता है, 2 4 8, फोर की टेबल में भी आता है, 4 2 8, एट की टेबल में एट आता ही है ना, 8 1 8, सबको पता है। फैक्टर्स जब भी मैं बोलता हूं तो आपको क्या लिखना है, जो वो नंबर्स लिखने हैं जिनकी टेबल में ये एट आता है ना। अच्छा, अगर मैं भी आपको बोलता हूं फैक्टर्स लिखने हैं आपको, फैक्टर्स ऑफ 10, 1 2 5 10, वेरी गुड। देखिए वन की टेबल में 10 आता है, कितने टाइम्स में आता है 1 10? 1 10 10। 2 की मल्टीप्लिकेशन टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है, कितने टाइम्स में आता है? 5 times 2 5 10। 5 की टेबल में कितने बार में आता है बताओ बच्चों? 2 5 2, वेरी गुड। और 10 की टेबल में आता है
वन टाइम्स में ना टेन। वेरी गुड, चलो आप सबको बहुत अच्छे से आता है। अब देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है ना, अरे जो आपको एक बच्चा आ रहा है, कौन ज्वाइन हो रहा है अभी? चलो ठीक है। आज का बच्चों जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स, तो जो कॉमन फैक्टर्स कई बच्चों ने कर लिया है, ठीक है, उन्होंने मेरे को अपना काम भी करके भेजा है व्हाट्सएप पे। ठीक है, जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार ध्यान से सुनो कॉमन फैक्टर्स का। कौन से चैप्टर का है बेटा? जो भी हम चैप्टर कर रहे हैं ना, थर्ड चैप्टर, उसी का ही बच्चे। ठीक है, तो फैक्टर्स देखिए, आपको पता है फैक्टर्स क्या होते हैं। मैंने फैक्टर्स ऑफ 10 बोला, तो आप वो नंबर्स बताओगे मेरे को जिनकी टेबल में 10 आता है। ठीक है, 1, 2, 5, 10। ठीक है, अच्छा देखिए कॉमन फैक्टर्स है। अब जैसे मैंने देखो यहाँ पे आपको दो नंबर्स दिए थे, 6 और 8। ठीक है, कई बच्चों ने आंसर दिया इसका। ठीक है, मैंने आपको बोला, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 6, आपने मुझे क्या बताया? 1। कौन आ रहा है बच्चे, कौन आ रहा है, ज्वाइन हो रहा है बेटा? प्रेजेंट मत करिए विजय, प्रेजेंट मत करिए आप सिर्फ सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है विजय, सिर्फ सुनना है। संदीप, बेटा ये विजय बाहिरवाड़े, बेटा प्रेजेंट मत करिए आप। सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। चलो ठीक है बेटा, आप किसी ने प्रेजेंट किया ना बीच में, तो फिर मेरे को निकालना पड़ेगा उस बच्चे को। ठीक है, प्रेजेंट नहीं करना है, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो बस वो करना है बस आपको। ठीक है, चलिए कोई बीच में प्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने बताया 1, 2, 3 एंड 6। फिर मैंने पूछा आपसे फैक्टर्स ऑफ 8 बताइए, आप लोगों कई लोगों ने बताया 1, 2, 4 एंड 8। अब देखिए, हमने जो 6 के फैक्टर्स लिखे हैं, जो 6 के फैक्टर्स लिखे हैं और 8 के फैक्टर्स लिखे हैं, इनमें देखो कोई सेम फैक्टर्स हैं क्या? कोई कॉमन फैक्टर है क्या दोनों में? टू है, देखो टू एंड वन, टू है, वेरी गुड, वन है, वन एंड टू। ठीक है, और कोई फैक्टर है क्या कॉमन? ठीक है, तो हम लिख देंगे बच्चों, ठीक है, हम सीधे सीधे लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 8। ठीक है, जो जो नंबर कॉमन आया है, जैसे 1 आया है और 2 आया है, तो आप लिख देंगे, ठीक है, 1 एंड 2। ठीक है बच्चों, 1 निकालिए, आ रहा है स्क्रीन, आ रहा है आपको, दिखाई दे रहा है? व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहे हैं ना? हाँ बेटा, प्रेजेंट मत करना, नहीं तो मेरे को फिर क्लास से निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, ध्यान से देखो बस। चलिए अब देखिए, एक सेकंड देखते हैं एग्जांपल, मैं आपसे बोलता हूं, देखिए फैक्टर्स ऑफ 12 बताइए मेरे को आप, फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या है? अच्छा, मैं वो पूछता हूँ, अगर फैक्टर्स ऑफ 18 बताइए तो क्या क्या आएंगे? वन
टू टू थ्री सिक्स एंड 18 वन टू थ्री ठीक है सिक्स नाइन एंड 18 क्या ये सही है कोई और तो फैक्टर नहीं है ना देख लो एक बार फोर नहीं होगा फाइव नहीं होगा सेवन नहीं होगा एट नहीं होगा इलेवन नहीं होगा ट्वेल्व नहीं होगा ठीक है तो आगे सारे फैक्टर्स अच्छा अगर मैं आपसे पूछता हूं अब ठीक है कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18 देखो इनमें से कॉमन कौन से हैं वन है वेरी गुड टू भी है थ्री भी कॉमन है ना फोर देखो नहीं है 18 के फैक्टर्स में फोर नहीं है मगर सिक्स है सिक्स है हाँ सिक्स है और कोई देखो नंबर कॉमन नहीं दिख रहा मुझे तो आप देखोगे कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है वन टू थ्री एंड सिक्स ठीक है इन अच्छा कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है सिक्स देखो सबसे बड़ा है ना सबसे बड़ा फैक्टर है ठीक है सबसे बड़ा फैक्टर है ठीक है चलो आप सबको अच्छे कॉमन फैक्टर समझ में आया yes, देखो यहाँ पे इसने देखो एग्जांपल दिया हुआ है आपको यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कॉमन फैक्टर्स का ठीक है यहाँ पे हमें किसका फैक्टर्स निकालने के देखो एग्जांपल दिया है फोर एंड 18 का फोर एंड 18 का देखिए फोर के फैक्टर्स होते हैं वन टू एंड फोर 18 के फैक्टर होते हैं वन टू थ्री सिक्स एंड नाइन तो इसने फिर कॉमन फैक्टर्स देखिए बताया है ठीक है एक वन कॉमन है और एक टू कॉमन है इसके अलावा कोई और कॉमन दिख रहा है आपको वन और टू के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है क्या फोर और 18 के मुझे तो नहीं दिख रहा ठीक है तो वन एंड टू आर द फैक्टर्स ऑफ बोथ फोर एंड 18 ये सबको समझ में आया yes, अब देखिए इसमें ट्राई दीज में आपको दो सम्स दिए हुए हैं ठीक है एक सम मैं कराऊंगा और एक आपको खुद करके अभी दिखाना है मुझे ठीक है सबको समझ में आया एक मैं आपको करके दिखाऊंगा ठीक है तो ट्राई दीज कर रहे हैं हम ट्राई दीज इसमें हमें ये सम करके दिखाना है कॉमन फैक्टर निकालना है किसका 8 एंड 20 का 8 और 20 का कॉमन फैक्टर निकालना है सभी बच्चे पेन और पेपर लेके बैठेंगे क्लास में ठीक है खाली हाथ कोई नहीं बैठेगा जो चीज मैं बता रहा हूं उसको फटाफट फटाफट लिखते जाइए ठीक है जो अगर नहीं लिख पाता है तो जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसको देख लेगा वापस जाके ठीक है बच्चों तो कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं हमें 8 के और 20 के तो सबसे पहले काम क्या करते हैं हम फैक्टर्स लिख लेंगे इनके ठीक है फैक्टर्स लिखेंगे पहले 8 के तो 8 के फैक्टर्स मुझे बताइए क्या क्या होते हैं मुझे ओमकार बताएगा ठीक है ओमकार सिक्स बी का ओमकार बेटा फैक्टर्स क्या होंगे 8 के 1 2 8 4 1 2 4 8 ठीक है बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताएंगे ठीक है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताएंगे अच्छा ओमकार ने सही बताया अच्छा मुझे बताएगी कौन संध्या संध्या आपको मेरी आवाज आ रही है संध्या तो संध्या बेटा मेरे को 20 के फैक्टर्स बताइए क्या क्या होंगे 1 2 4 5 and 20 and 10 और 20 नहीं है फैक्टर खुद का 20 होता है ना Yes, sir. तो 20 भी फैक्टर होगा अच्छा अब मैं अगर बोलता हूँ आपको फैक्टर्स तो हमें देखो पता लग गए है ना फैक्टर्स हमें पता लग गए तो अब हमें बस बताना है कॉमन कौन कौन से हमें पहचानने हैं ठीक है कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं
कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 20। सब बच्चों लिखना है, समझना है सबको, ठीक है, कोई खाली नहीं बैठेगा, सबको करना है, ठीक है। अच्छा अब मुझे, अब मैं बच्चा नाम ले रहा हूँ रामचरण। रामचरण आपको मेरी आवाज आ रही है? रामचरण आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो सिर्फ रामचरण मेरे को बताएंगे, बच्चों बताओ कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं 8 और 20 के। रामचरण दोबारा से बोलिए। हाँ? दोबारा बोलिए बेटा, आवाज नहीं आई आपकी। वन टू एंड फोर, वेरी गुड। देखिए वन है कॉमन फैक्टर, टू है कॉमन फैक्टर और फोर है, इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो वन टू एंड फोर आर द कॉमन फैक्टर्स। अच्छा इन सब फैक्टर में से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? फोर। फोर जो है सबसे बड़ा है, ठीक है ना, हाईएस्ट है। फोर सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, बिगेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट नंबर है इन सब में, ठीक है। चलो अब देखिए, अब एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, देखो कई नंबर्स होते हैं ना, कई नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए 7, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 7 बताइए मुझे क्या होता है। वन एंड सेवन, ठीक है, और कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, वन एंड सेवन। अच्छा फैक्टर्स ऑफ 8 क्या होगा बताइए। अच्छा कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों इनके बताइए, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 7 एंड 8। वन है ना बस, वेरी गुड। तो वन ही है देखो बच्चों, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर सिर्फ वन है, ठीक है। देखो अगर कोई दो नंबर हैं जिनका कॉमन फैक्टर वन आता है ना, तो उन दोनों नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम। क्या कहते हैं बच्चों? को प्राइम। बोलो एक बार सभी, क्या बोलते हैं उनको? को प्राइम। हम बोलेंगे वो दोनों नंबर्स क्या है आपस में, को प्राइम है, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे, देखिए लिखना कैसे होता है ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। लिखेंगे 7 and 8 आर को प्राइम। समझ में आया, ठीक है। सुनाई नहीं दे रहा आपको? किसको नहीं आ रहा समझ में, नाम बताइए। सबको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? सबको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है बच्चों? सिंपल है, जब भी आपको लगे कि, जब भी आपका फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स वन आए ना, तो आप जो दोनों नंबर्स को क्या कहते हो, दोनों नंबर्स क्या हैं आपस में, को प्राइम है, ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, अब आपको मैं एक नंबर देता हूँ, आप बताना वो को प्राइम है कि नहीं है, ठीक है, आपको बताना है वो को प्राइम है कि नहीं। दो नंबर्स मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप जरा मेरे को बताओ, ठीक है, ठीक है, कॉमन फैक्टर बताने हैं आपको किसके, बताने हैं किसके। मैं आपको नंबर्स लिख रहा हूँ, अगर कॉमन फैक्टर बच्चों वन आता है, सिर्फ वन आता है, तो आप लिख दोगे दो नंबर्स आर को प्राइम। मैं आपको फर्स्ट नंबर देता हूँ बच्चों, ठीक है, सभी लिखिए 8 and, ठीक है, 8 and 18, ठीक है। सेकंड देता हूँ 25 and
36 ओके, 3 देखिए 7 एंड 42 ठीक है। अब देखिए आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अगर कॉमन फैक्टर 1 आता है तो आप क्या लिखोगे, अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है तो आप लिखोगे दोज टू नंबर्स आर को प्राइम। आप जल्दी से निकालिए कॉमन फैक्टर क्या आएगा, बताइए मुझे, करके बताइए कॉपी में, और जिसका आ जाता है वो चैट बॉक्स में लिख देगा, ठीक है, देखते हैं पहले कौन करता है, जिसका आ जाता है वो चैट बॉक्स में लिख देगा। सबको दिखाई दे रहा है, जिसका आंसर आता है योगिता चौबे चौबे, बेटा आपने बिल्कुल सही बताया है, आप मेरे को फैक्टर्स बताइए कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो लिख दीजिए। बिल्कुल सही बताया आपने बेटा, एट का सर, 1 2 4 8 कॉमन फैक्टर बता दो बेटा, डायरेक्ट डायरेक्ट आप ना मेरे को कॉमन फैक्टर बताओ डायरेक्ट फर्स्ट का, अभी आप पहले करने दो बाकी बच्चों को, करने दो बच्चों अभी, ठीक है, अभी रुक जाओ 2 मिनट्स और रुक जाओ, उसके बाद हम पूछेंगे, ठीक है, एक 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 सेकंड में नाम लेते हैं। राहुल को लेकर कुछ पूछना है क्या आपको? अब्रार बेटा मैंने 2 और 3 तो दिया ही नहीं, बासु सिंह वाला जो नंबर है बिल्कुल बासु सिंह ने सही लिखा है, पम्मी सिंह ने भी सही लिखा है, योगिता ने भी सही लिखा है। अच्छा मेरे को फर्स्ट का बताइए, फर्स्ट की को कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? 1 2 4 4 नहीं होता बेटा, 4 में 18 कहाँ आता है, 4 की टेबल में 18 देखिए, 8 की कॉमन 1 2 4 8 1 2 8 नहीं, आप मेरे को देखो, चलो ठीक है पहले करते ही हैं, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 8 बताना है, ठीक है, 1 2 4 8 ठीक है, देन फैक्टर्स ऑफ 18 इट इज 1 2 3 6 9 18 सही है? Yes, sir. तो अब देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 1 और 2 ही कॉमन है, ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स आर, सो कॉमन फैक्टर्स फैक्टर्स क्या होंगे, 1 एंड 2, तो ये दोनों को प्राइम होंगे क्या, 8 और 18?
को प्राइम नहीं होंगे, ठीक है। को प्राइम होने के लिए कॉमन फैक्टर सिर्फ वन आना चाहिए। अगर सिर्फ वन आया होता तब हम कहते हैं 8 and 18 आर को प्राइम, मगर यहाँ पे वन एंड टू आया तो कॉमन फैक्टर वन एंड टू लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अच्छे से, ठीक है, चलो आ गया। अब देखिए फैक्टर्स निकालते हैं, 25 के फैक्टर्स क्या होते हैं, मुझे तो याद नहीं आ रहे, बताइए जरा क्या होते हैं। फोर की टेबल में 25 आता है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 36 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36 की टेबल में भी तो आता है बच्चों, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18। वेरी गुड, मेरे को सही बताया, ठीक है। ये 6 की टेबल में भी आता है, ठीक है, 36 आता है, 6, 6 का 36, 1, 4, 6, 9, 12, ठीक है, 12 के बाद 18, ठीक है, 18 के बाद 36। अच्छा अब इन दोनों में देखो निकाल लिया, कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो 1 मुझे दिखाई दे रहा है, 1 के अलावा कुछ दिख रहा है और? मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा, 1 के अलावा तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, तो ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर ऑफ 25 and 36 क्या है, 1। तो हम देखिए 1 आया है तो हम क्या लिख सकते हैं, 24, 36 क्या है बच्चों, को प्राइम। सभी बोलो एक बार, सबको बोलना आना चाहिए, को प्राइम 25 and 36 आर को प्राइम, सबको बोलना आना चाहिए, ठीक है, को प्राइम, ठीक है। अच्छा 7 and 2 का हमने किया, 7 and 2 का करेंगे, देखिए 7 and 2 का फटाफट करेंगे, 7 और 42 का, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 7 क्या आएगा बताइए, 1 and 7 बस, और उसका कोई फैक्टर है नहीं बेचारे का। चलिए फैक्टर्स ऑफ 42 बताइए, ये देखो थोड़ा लंबा पड़ेगा, 1, 2, 6, 7, 42 की टेबल में नहीं आता, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा क्या, होगा 3 से भी डिवाइड होगा ना, वो नंबर, हाँ 1, 2, 3, 4 से होगा, नहीं होगा, 5 से 6 से हो जाएगा, 7 से होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से होगा क्या, 14 से होगा क्या, बताओ, 14 से होता है, सब होता है, 14. अच्छा yes, sir. अच्छा उसके 14 के बाद 43, वेरी गुड, 14 की टेबल जिसको आती है वो बता देगा, 21 and 42। अब देखो यहाँ पे बच्चों कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो 1 दिख रहा है मुझे, और एक कौन सा है, 7 है, देखो 1 and 7 है, तो अब लिखोगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 7 and 42 आर 1 and 7, ठीक है। तो क्या ये को प्राइम होंगे 7 और 42? नो सर, नहीं होंगे, बहुत बढ़िया, नो सर नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अब ये देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आपको खुद करना है, ठीक है, बहुत इजी है, कॉमन फैक्टर्स ही बताने हैं हमें बस, कॉमन फैक्टर के अलावा कुछ नहीं करना हमें। सब लोग कर पाओगे, कोई ऐसा है जो नहीं कर पाएगा, सर एक्सरसाइज 3.5 क्या बेटा, बुक में देखो 3.4 जो एक्सरसाइज है
वो आपको करनी है, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स बताना है, और देखो यहाँ पे फिफ्थ वाला जो है इसमें बताना है को प्राइम है कि नहीं है। को प्राइम कब होते हैं दो नंबर बच्चों? जब उनके कॉमन फैक्टर सिर्फ वन हो, वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। मैं देखो फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है ये बच्चों। देखो सारा ऐसे आपका होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क है। मैं आपको फिफ्थ का एफ करवा के दिखाता हूं, ठीक है, फिफ्थ का एफ करवा के दिखाता हूं। आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लो, और ग्रुप में शेयर करना है इसको, ठीक है। होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं फिफ्थ का एफ करवाता हूं आपको, ठीक है। देखिए 81 और 16 को बताना है कि को प्राइम है कि नहीं है, 81 और 16 को। तो मैं क्या करूंगा, देखिए पहले फैक्टर्स लिखूंगा मैं 81 के, फैक्टर्स ऑफ 81 मैं आपको मैं फटाफट बता देता हूं, ठीक है। ये देखिए 81 जो है 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 6 से होगा क्या, ये 6 से नहीं होगा, 7 से होगा क्या, नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से हो जाएगा। देखिए 9 9 81 होता है, होता है, होता है, नहीं होता बच्चों? देखिए 27 की टेबल में होता है, वेरी गुड। और 81 में, 81 खुद का फैक्टर है। फैक्टर्स ऑफ 16 निकालेंगे आप, फैक्टर ऑफ 16, 1 2 4 8 and 16, इनमें देखिए कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 1 है, वन के अलावा और कुछ है ही नहीं, है ना, वन के अलावा कुछ है ही नहीं कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। सर दिस इज को प्राइम नंबर, वेरी गुड, दिस टू आर को प्राइम, ऐसे बोलेंगे, ठीक है सर। हम क्या बोलेंगे, देखो लिखते कैसे हैं बच्चों, लिखना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आपको पता भी लग गया और आप ढंग से बता नहीं पा रहे हो तब भी आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या बोलोगे आप लोग, 81 एंड 16 आर को प्राइम, 18 एंड 16 आर को प्राइम, ठीक है, 81 और 16, सॉरी 81 एंड 16 आर को प्राइम, आप लोग ऐसे करोगे। अच्छा ये देखो इसमें एक 3 वाला सवाल भी है, ठीक है, जिसमें आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं, सेकंड वाले में आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 3 नंबर्स, इन सबका कॉमन फैक्टर निकालना है। देखो ये भी बहुत इजी होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फैक्टर्स निकालना जिसको आता है वो 3 हो 4 हो कितने भी नंबर हो आप सबका निकाल सकते हो, ठीक है। ये देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ, आप मेरे को फैक्टर्स बताइए, ठीक है, 6 के,